तेरे गांव में 3 दिवसीय प्रशिक्षण रोजगार सहायक सचिव और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया गया। ग्राम पंचायत चरे गांव में मास्टर ट्रेनर आशीष लांगडाले द्वारा सचिव रोजगार सहायक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा कार्यकर्ता यौ समूह की महिलाओं को ग्राम पंचायत विकास योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया। आशीष लांगडाले द्वारा शासन के निरंतर ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान की जानकारी दी गई। उनके द्वारा 29 विभाग के 46 योजनाओं को गरीब मजदूर तक पहुंचाने यौ वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत छोटे छोटे कार्यों को जोड़ने यौ आंगनवाड़ी के अंतर्गत सभी योजनाओं का लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे यौ शासन के द्वारा संचालित सभी योजनाओं का क्रियान्वयन किस प्रकार से किया जाए इस विषय में सूक्ष्मता से जानकारी दी गई। प्रशिक्षण द्वारा बताया गया कि 31 जनवरी तक ग्राम सभा के अनुसार जो भी कार्य योजना में जोड़ा जाएगा वह कार्य 2023-24 में कराया जाएगा, जिसमें प्रशिक्षक मनरेगा उपयंत्री श्रीमती श्वेता मंगले द्वारा प्रशिक्षण में आशा कार्यकर्ता आंगनवाड़ी कार्यकर्ता महिला समूह एवं ग्राम पंचायत के सचिव रोजगार सहायक को स्वच्छता ग्राही मीटों को प्रशिक्षण दिया गया। क्या है इसका GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना, मतलब हम लोग जो 2023-24 में हम लोग जो 11वीं सूची के जो 29 योजनाओं का जो हम लोग क्रियान्वयन करना है उस सभी को हमको ऑनलाइन करना है, और इसकी जो हमारी अंतिम प्रारूप रूप देने के लिए हमारी जो है 31 जनवरी को ग्राम सभा होगी, और इस प्लानिंग को हम लोग अंतिम रूप ग्राम सभा में देने के पश्चात हमारे जो फैसिलिटेटर ग्राम रोजगार सहायक है इसको अपने पोर्टल पे ऑनलाइन दर्ज करेंगे, और जो काम अभी दर्ज होंगे यही काम हमारे वर्ष 2023-24 में कराए जा सकेंगे। इसके अलावा अतिरिक्त अन्य कोई भी कार्य बीच में न जोड़ा जाएगा और न ही कराया जा सकेगा। और हमारे ग्राम विकास के लिए हमारे जो छोटी छोटी चीजें हैं जो संसाधन है उनका उपयोग हम लोग कर सके, और सभी ग्राम पंचायत के सरपंच या सचिव इसके पहले अपने मतलब मंत्री से काम चयन कर लेते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं, शासन की मंशा चेंज हुई है और उसने सबकी जनता की भागीदारी ग्राम सभा की भागीदारी को महत्वपूर्ण किया है, और उसके लिए अभी सभी लोगों का प्रशिक्षण दे करके अभी 2 दिन हमारे आशा कार्यकर्ता और हमारा जो दल है ये अपना वर्क करेगा ग्राम में, और उसके बाद 31 तारीख को अपनी कार्य योजना ला करके ग्राम सभा के समक्ष प्रस्तुत करेगा, और यही ग्राम सभा जो कार्य योजना बनेगी वो हम लोग हमारे फैसिलिटेटर के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल ग्राम स्वराज पे दर्ज करेंगे। क्या नाम है जी आपका? संतोष कुमार बागवान है। कौन सी ग्राम पंचायत के सचिव हैं आप? सचिव ग्राम पंचायत भालेवाड़ा। आज जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है यहाँ पे, ये प्रशिक्षण का विषय क्या है और इससे क्या लाभ मिलेगा जनता को? GPDP के प्रशिक्षण है ग्राम पंचायत विकास योजना, इसके प्रशिक्षण दिया जा रहा है दिनांक 27 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2023 तक 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जा रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आशा सचिव रोजगार सहायक महिला स्व सहायता समूह। इसमें प्रशिक्षण में क्या क्या बताया जा रहा है, किस विषय का प्रशिक्षण है, क्या है इसका कारण प्रशिक्षण का? GPDP ग्राम पंचायत विकास योजना वर्ष 2023-24 की कार्य योजना तैयार की जाना है, इसमें 15 वित्त आयोग प्लस प्रोजेक्ट गारंटी योजना, विधायक निधि, सांसद निधि, परफॉर्मेंस ग्रांट, 5वें वित्त आयोग की कार्य योजना तैयार किया जाना है, जिसमें CC सड़क निर्माण कार्य, नाली निर्माण कार्य, ओटला निर्माण कार्य। इससे क्या लाभ मिलेगा गांव की जनता को, इससे लाभ मिलेगा? हमारी कार्यकर्ता हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे और सचिव वगैरह जो हैं, इनके माध्यम से हो, सभी के द्वारा ये जानकारी हमको गांव गांव तक और सभी सदस्य तक पहुंचाना है। रही बात जल की योजना, तो जल की बात तो ये ऋषिकेश में भी हुई थी कि जल रोको अभियान चला था, जिसमें ऋषिकेश में 84 कुंड होने के बावजूद मात्र 4 कुंड बचे हैं बोल रहे थे, तो जल रोको अभियान तो हर जगह सभी के लिए महत्वपूर्ण है, जल है तो कल है। सभी योजनाओं का लाभ हम अपने गांव में जाकर के सभी सदस्य तक पहुंचाना है, इतना कहकर मैं अपना स्थान। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम श्रीमती इमलता पटले है, ग्राम पंचायत नेवरगांव, ग्राम नेवरगांव और आंगनबाड़ी वर्कर। ये आज जो आप लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये प्रशिक्षण के विषय क्या था, किस विषय में प्रशिक्षण दिया और क्या है इसका महत्व? आज हम लोग को GPDP प्रशिक्षण दिया गया पंचायत चरेगांव में,
और जीपीडीपी का मतलब है कि ग्राम विकास में डेवलप प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें शासन की बहुत सारी योजनाएं आई हैं। इन योजनाओं को गांव में गांव तक सब महिलाओं गांव में सभी तक पहुंचाने के लिए हमको इस विषय पर समझाया गया, प्रशिक्षण में प्रशिक्षण दिया गया। और इसमें बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे उज्ज्वला योजना है, गाँव में नाडेप बनवाने के लिए है, और गैस गैस के लिए भी, और शौचालय के लिए, बिजली कमी तो नहीं है, नल जल की व्यवस्था के लिए, और आंगनबाड़ी में ICDS की कुछ सेवाएं हैं, जैसे लाली लक्ष्मी योजना है, PM प्रधानमंत्री मातवंदन योजना है। इन सब जानकारियों को गांव तक पहुंचाने के लिए, महिलाओं तक, बच्चों तक, बच्चों के विकास के लिए, महिलाओं के विकास के लिए, बच्चों को कुपोषित बच्चों के विकास के लिए, जो बच्चे कमजोर है उनके लिए LRC में एडमिट कराने की सलाह देने के लिए, और गांव में जैसे कुछ लोग के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं, आयुष्मान कार्ड बनवाना है, और गांव-गांव तक और संबल कार्ड बनवाकर महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को उनकी शासन की योजनाओं को लाभ दिलाने के लिए हमको जागरूक कराने के लिए गाँव के लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है। लामता से शत्रुघ्न ठाकरे।